हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो कितने इसके टाइप होते हैं और क्या कैसे होते हैं, क्या टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये सब। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियम की। तो कैसे, एपिथेलियम में दो तरीके के टाइप होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का मतलब होता है सिंगल लेयर। अगर हम कहीं पे सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं तो वहाँ पे मतलब होता है सिंगल लेयर। बट हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की तो वहाँ पे होता है मल्टीपल लेयर। अब हमें पता है सिंपल एपिथेलियम में तीन तरीके की बेसली सेल मिलेंगी। फर्स्ट वन इज स्क्वामस, सेकंड क्यूबॉइडल और थर्ड कॉलमनर। यहाँ पे देख सकते हैं हम स्क्वामस में फ्लैटेड सेल होगी विद फ्लैटेड न्यूक्लियस के साथ। क्या है, फ्लैटेड सेल है विद फ्लैटेड न्यूक्लियस। स्क्वामस सेल के लिए फ्लैटेड सेल, फ्लैटेड न्यूक्लियस। बट जब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल सेल की तो क्यूबॉइडल में हाइट और ब्रेथ सेम होती है। हाइट ब्रेथ सेम, हाइट ब्रेथ सेम, हाइट ब्रेथ सेम, हाइट ब्रेथ सेम, और सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये क्यूबॉइडल की बात होती है। क्या होता है, हाइट और ब्रेथ सेम होती है और सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इधर। फिर हम बात करेंगे अपने कॉलमनर एपिथेलियम की, तो जहाँ हम देख सकते हैं कि हाइट ज़्यादा है और ब्रेथ कम है। इसमें क्या है, बेसल ओवल न्यूक्लियस मिलता है। बेसल बेस में है, ओवल शेप का न्यूक्लियस है, बेसल ओवल न्यूक्लियस मिलेगा, बेसल ओवल न्यूक्लियस मिलेगा। तो हम अब इसको देखते हैं, सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे। यहाँ पे आएगा फ्लैट सेल, यहाँ पे आएगा फ्लैट सेल, फ्लैट न्यूक्लियस। हाइट इक्वल होगी ब्रेथ के, सेंट्रल स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा, हाइट ज़्यादा होगी ब्रेथ के, तो ओवल बेसल न्यूक्लियस होगा। स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम की बात करते हैं। फिर हमें पता है, एक केस देखते हैं हम थायराइड का। अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की तो यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, स्क्वामस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर। तो यहाँ पे तीनों एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, कंडीशन पे कि थायराइड की एक्टिविटी कैसे। अगर थायराइड, जैसे हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे ये थायराइड फॉलिकल है, ये आर लाइंड विच टाइप ऑफ एपिथेलियम दे रखा है, तो इसमें क्या सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर। अगर नॉर्मली बात करते हैं थायराइड फॉलिकल की तो हम सिंपल क्यूबॉइडल लगाएंगे। बट जब हम थायराइड फॉलिकल की लाइनिंग की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन सेक्रीशन। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसके सेक्रीशन के हिसाब से वहाँ पे सेल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। जैसे अगर कम सेक्रीशन है तो छोटी सेल की ज़रूरत है, स्क्वामस होगी। कम से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मॉडरेट की बात करेंगे तो क्यूबॉइडल होगी, और अगर ज़्यादा सेक्रीशन की होगी तो कॉलमनर सेक्रीशन होगा। तो ये स्कैंटी के लिए स्क्वामस जिम्मेदार है, मीडियम के लिए क्यूबॉइडल और हाई के लिए कॉलमनर जिम्मेदार है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन और इसी तरीके से देख सकते हैं, सेक्रीटिंग एक्टिव, एक्टिव थायराइड है यहाँ पे, मतलब क्या है, थायरोक्सिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, ज़्यादा सेक्रीट करेगा, तो फिर कौन सी एपिथेलियम हो जाएगी, तो हम कॉलमनर मार्क करेंगे, जबकि यहाँ पे हमारा आंसर क्यूबॉइडल था। अब एक जो हमने पढ़ा है इसकी एक समरी देख लेते हैं। सिंपल स्क्वामस सेल कैसे होती है, फ्लैट सेल होती है, फ्लैट विद फ्लैट न्यूक्लियस, फ्लैट सेल, फ्लैट न्यूक्लियस। फिर हम बात करते हैं क्यूबॉइडल की, सिंपल क्यूबॉइडल, हाइट और ब्रेथ दोनों इक्वल है, सेंट्रल है, सेंटर में क्या है, स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं कॉलमनर की, हाइट ज़्यादा है, ब्रेथ कम है, इसमें क्या है, बेस में ओवल शेप्ड का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ओवल बेसल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हाइट ज़्यादा है ब्रेथ से, और ये जो है अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पर अलाई है। तीनों सेल को कंपेयर करके हम देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपना कि एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है, एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लॉटिस का, हम यहाँ पर एपिग्लॉटिस बना लेते हैं। एपिग्लॉटिस क्या करता है, ओरल कैविटी इसके आगे की तरफ होती है, ये ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी, फिर ये ट्रैकिया और पीछे वाला इसोफेगस। तो इसके पास दो तरीके की कवरिंग होती है, दो सरफेस होती हैं। एक जो होती है वो होती है हमारी कौन सी, लिंगुअल सरफेस। ये जो है ये हमारी क्या है, लिंगुअल सरफेस। बट दूसरी इसके पास क्या होती है, लैरिंजियल सरफेस होती है। तो इसके पास दो तरीके के
एपिथेलियम मिलते हैं जो लिंगुअल सरफेस में होता है, लिंगुअल सरफेस की बात करते हैं, जो लिंगुअल सरफेस में होता है ये कौन सा एपिथेलियम होता है, ये होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। पर जब हम बात करते हैं लैरिंजियल सरफेस की या लैरिंग्स सर के पास जो सरफेस होता है उसके पास होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, जिसको हम लोग दूसरे वे में रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एपिथेलियल लाइनिंग लिंगुअल सरफेस की क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। लिंगुअल सरफेस की बात करी गई है तो ये होती है, अगर यहीं पे लैरिंजियल सरफेस की बात करी जाती है तो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। लैरिंजियल सरफेस की बात करते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर, ओरल सरफेस लाइन होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लोकेशन की बात करते हैं, ये मिलती है नेजल कैविटी में मिलेगी, ट्रैकिया में मिलेगी, ब्रोंकियाई में मिलेगा और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मिलेगा। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, इसमें जैसे हम देखते हैं तो हमको लगता है कि ये सारी सेल अलग अलग हैं, पर इसमें ये होता है कि हर सेल जो होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। ईच सेल टच द बेसमेंट मेम्ब्रेन सीन इन रेस्पायरेटरी एपिथीलियम को दूसरा नाम जो होता है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम होता है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम वो इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जैसे मान लेते हैं यूरिनरी ब्लडर है, इसमें यूरिन बढ़ता रहा, ये स्ट्रेच हो गई, फिर जब यूरिन पास आउट कर देंगे तो फिर ये अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वो एपिथीलियम मिलता है उसका नाम क्या है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम की कहानी है। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम, सेल टुवर्ड्स द ल्यूमन एंड क्वाइट लार्जर होगा, अम्ब्रेला शेप का करेक्टर अपीयरेंस शो करेगा, ये स्ट्रेचेबल होती हैं। ईच सेल अटैच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। अब हम तीन तरीके की जो हमारी वो सेल थी उनको हम देख लेते हैं एपिथीलियम के हिसाब से। जैसे हम बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम, इसमें ग्लोबुलर सेल मिलती हैं, ये टुवर्ड द सर्फेस होता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की बात करेंगे, फ्लैट सेल मिलेगी, ये टुवर्ड द सर्फेस होगा। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम जिसमें सीलिया मिलेगा, इसी का दूसरा नाम रेस्पिरेटरी एपिथीलियम है, जैसा यहाँ देख सकते हैं। अब एक रूल है किसमें, हिस्टोलॉजी में, और एक रूल होता है एम्ब्रियोलॉजी में। अगर कोई ओपनिंग है बॉडी की तो वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसका नाम होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम रूल। एनी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ बॉडी इज ऑलवेज लाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम से। एंड एम्ब्रियोलॉजी का रूल क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो बनी होती है सरफेस एक्टोडर्म से। एनी एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज लाइन बाई सरफेस एक्टोडर्म। तो ज़्यादातर केसों में क्या है, आउटर कवरिंग जो है वो तो हमारी मिलती है कहाँ से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम से। बट अगर हम टॉक करते हैं कि कभी कभी इनर लाइनिंग भी जो होती है वो भी हमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम से मिल सकती है, जैसे कि हम बात करते हैं वेजाइनल ओपनिंग की, वेजाइनल ओपनिंग की बात करते हैं या वोकल कॉर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मिलती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। फिर हम बात करते हैं सेवन ओपनिंग की कौन कौन सी होती है, तो आई, ईयर, नोज, ओरल कैविटी, यूरिथ्रा, वेजाइना और एनाल, ये हमारी सेवन ओपनिंग है। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं, ये आई है, आई क्या है हमारा, आई है, नोज है, नोज के बाद माउथ है, माउथ के बाद ये ईयर है, ये सब क्या है हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो ईयर को जो है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को जो सेपरेट करती है इसका नाम होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नल ईयर में क्या मिलेगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम के साथ साथ आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम मिलेगी। तो हम लोग देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ फेस के बारे में पढ़ते हैं, आई की क्या हो जाए, फर्स्ट लेयर ऑफ कॉर्निया जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। ईयर की बात करेंगे, एक्सटर्नल ईयर कैनाल प्लस आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की। नोज में क्या हो जाएगा, वेस्टिबुल, वेस्टिबुल क्या, स्किन हेयर जो होते हैं वो भी बना होगा कहाँ, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की। ओरल कैविटी की बात करेंगे, टंग और हार्ड पैलेट ऊपर के जो पार्ट होते हैं ये होता है पैराक्रिटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। और टॉन्सिल और इपिग्लॉटिस जो होते हैं ये ओरल सरफेस में होते हैं, सॉफ्ट पार्ट होते हैं, इसमें नॉन क्रिटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम पाया जाएगा। जहाँ पे क्रिटेनाइज की बात करेंगे वहाँ हमें न्यूक्लियस अब्सेंट होगा और नॉन क्रिटेनाइज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो क्रिटेनाइजेशन क्या होता है, स्किन में मिलता है, सुपरफिशियल लेयर हैव नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। और पैराक्रिटेनाइजेशन ये सीन इन टंग और हार्ड पैलेट में दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर ऑफ हैव न्यूक्लियाई इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं
कि मिडिल एयर प्लस टिम्पैनिक इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। बाहर की तरफ क्या स्क्वामस, देन फिर अंदर आते हैं ईयर में तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्रिमिनस ग्लैंड की। ये एक वैक्सी ग्लैंड होती है, ईयर में पाई जाती है। ये मॉडिफाई होती है किससे, एपोक्राइन और स्वेट ग्लैंड से। फिर हम बात करेंगे ओपनिंग ऑफ पेरिनियम की, इसको यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा और फीमेल यूरिथ्रा। मेल 26 सेंटीमीटर का होता है, फीमेल 4 सेंटीमीटर होता है। इनकी जो लाइनिंग होती है वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की। वेजाइना में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम होती है। वेजाइना के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट और ये लोअर पार्ट। ये बना होता है ये अपर पार्ट की बात करते हैं तो ये बना होता है मीजोडर्म का, और लोअर जो होता है वो होता है इंडोडर्म का बना होता है। अब हम बात करेंगे बैरेट ओइसोफेगस। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बैरेट ओइसोफेगस पे, तो क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी जो है लाइनिंग है ओरल कैविटी की, ये हमारी ओरल कैविटी है। ये ओइसोफेगस आ गया। ओइसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, स्टमक ओपन होगा डोडनम में, तो ये हम देख सकते हैं। फिर इसमें हमें एक चीज़ देखनी है जहाँ पे हमें फोकस करना है, ये लाइन के बारे में। ये लाइन किसकी है, ओरल कैविटी में स्क्वामस एपिथीलियम मिलेगा जो हमारा ओइसोफेगस से कंटिन्यूटी करते हुए जेड लाइन तक जाएगा। ये जो जेड लाइन होती है हमारी, जेड लाइन जो होती है वो गैस्ट्रो इस्टोफिजियल जंक्शन के 2 सेंटीमीटर ऊपर होती है, यहाँ तक जाएगा। फिर यहाँ से हमारा कॉलुमनर एपिथीलियम लीड करेगा डोडनम तक। तो ओइसोफेगस में जेड लाइन के नीचे क्या है, वो है कॉलुमनर एपिथीलियम, और इसके ऊपर क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की बात करेंगे। अब ये जेड लाइन क्या है, तो जेड लाइन पे मिलता है स्क्वामो कॉलुमनर जंक्शन। कहाँ पे मिलेगा, जेड लाइन में मिलेगा हमें। अब ये जेड लाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर की बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है बैरेट। जब हमें बैरेट मिलेगा, और ये बैरेट क्या करता है, बैरेट अगर नीचे स्टमक में एसिड है, ये एसिड यहाँ पे पहुँच जाता है तो ओइसोफेगस की लेयर को, सेल को डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे स्क्वामस की जगह पे कॉलुमनर सेल रिप्लेस कर देती हैं ताकि हीलिंग करने में आसानी हो। इसी को बोलते हैं बैरेट ओइसोफेगस। तो ये जो बैरेट ओइसोफेगस होता है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है या गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया होता है। तो ये एक मिसन्यूमर है, ज़्यादातर किताबें कहती हैं कि ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, पर कुछ किताबें कहते हैं गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया होता है। तो हम जब बात करते हैं बैरेट, एक क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि हमें ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, कॉलुमनर मेटाप्लेजिया, कॉलुमनर डिस्प्लेजिया, गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। तो बेटर ऑप्शन है कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया लगाया जाए, बट अगर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया ऑप्शन में ना हो तो गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया हम मार्क करेंगे। अब हम बात करते हैं जेड लाइन के। जेड लाइन जो होती है वो होती है जिगजैग लाइन। इसमें होता है ये स्क्वामो कॉलुमनर जंक्शन होता है लोअर ओइसोफेगस, लोअर ये 2 सेंटीमीटर ओइसोफेगस जो होता है वो नीचे का होता है। ये लाइन होता है कॉलुमनर एपिथीलियम से। जेड लाइन लोकेटेड कहाँ होती है, 2 सेंटीमीटर अबो गैस्ट्रो ओइसोफेगल जंक्शन में, और बैरेट ओइसोफेगस जो होता है वो 5 सेंटीमीटर अबो होता है। तो ये रहा हमारा एपिथीलियम के बारे में सम बेसिक नॉलेज। अब हम आगे और कैरी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। तब तक के लिए थैंक यू।